गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत टाइम बाद मैं एक ऐसा ब्लॉग कर रही हूँ जो मैं घर में बैठ के ब्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक, और आज देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं, आज फ्राइडे और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अपना जो स्किन है उसके ऊपर काम करें। दीपक बाहर बैठा है, उसको भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स देने वाली हूँ और मैं भी कुछ यूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन उस प्रोडक्ट के बारे में पहले और फिर बाकी के। राइट नाउ इन एवरी मॉर्निंग आई एम यूजिंग दिस श्योरेस रेंज। If you are looking for some natural fresh ingredient product, then Shuris is perfect for you. Shuris, if I tell you, means simple fresh natural products, and they are using all the natural ingredient and some of their products are magical. Like for example, I'm using this cleanser which is called as Cleanse Me Softly Milk Cleanser, which makes my skin calm and gentle, and this gently removes my makeup very easily. After using this, my skin feels very soft. The other one is Chime is Running Out Mist. Yeah, the name is Chime is Running Out Mist, and I heard so much about this product and I'm using it, and whenever I feel like I use it, whether it's winter or summer, so I just spray it, shake and spray, and actually this is working out for me very good. My skin feels hydrated all the time after using this. The other one is Bring the Light Serum. This makes my skin brighter and lighter and very refreshing. And this day cream, which is perfectly moisturizing, very highly intensive moisturizing cream. And you can find all the product links in the description box and also my discount link. And I'm using right now these all products. देखो ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो है पीछे चेंज कर दी है वीडियोस के लिए। जो चलो देखते दीपक क्या कर रहा है। दीपक आज ब्लॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, गर्मी बहुत है। तो बहुत चमक रही है। हाँ मैंने वो कोरियर प्रोडक्ट्स यूज करे हैं ना जो पीआर पैकेज में आया। एक्चुअली वो बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी लगाऊंगा, आप लोग भी लगा सकते हो। लाइक लिंक्स जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, और आप लोगों को एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप यूरोप में रह रहे हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो चलो यार दीपक, आज का क्या प्लान है यार? लोग सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ब्लॉग नहीं करते, ब्लॉग नहीं करते। आज का प्लान तो ये है कि कोई प्लान नहीं है एक्चुअली। यार आप ये बताओ, इतनी गर्मी है हम ब्लॉग क्या करें? हमें कुछ करने नहीं है, इतनी गर्मी है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, फिर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। वो भी ब्लॉग करेंगे, पानी कैसे पीते हैं, मुझे पीना है। तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी अराउंड थोड़ा ठंडा हो जाए फिर बाहर निकलेंगे। फिर जब बाहर निकलेंगे तो बात करेंगे। वाओ यार दीपक, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छी हो रही है स्किन में। मैं तो बिल्कुल, तुम्हारे लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं तुम्हें यूज कराते हैं, वो कल वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज करवाते हैं, ठीक है? चलो गाइस फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी तो ऐसा सच कुछ है नहीं, मैं तो दीपक को डिस्टर्ब करने आ गई थी। मैं देख रही थी, और पता है क्या देख रहा है? दिन रात एक ही चीज़, बहुत देर से फिटनेस वीडियो देख रहा है। और दीपक बिकॉज इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालता है तो मैं अपडेट दे देती हूँ। दीपक इज आजकल फुल टू डेडिकेटेड टू फिटनेस थिंग्स। बहुत जल्दी इसका वीडियो आने वाला है, बिफोर एंड आफ्टर। बस छह महीने बाद। चलो गाइस अभी बैटरी भी लो होने वाली है, इसको देखने दो इसके काम का। हम लोग थोड़ी देर में फिर से आते हैं, और क्या करने वाले हैं वो आपको पता ही चल जाएगा। अपडेट आज की, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो भी ब्रेड लेने। कुछ आई नहीं करने क्या तो बताए, अब हम ब्रेड लेने जा रहे हैं। देखो हम ब्रेड लेने कैसे जाते हैं। दीपक जाएगा, मैं नहीं। दीपक ब्रेड लेने कैसे जाता है? देखो मैं तो रेडी हो गई हूँ, दीपक देखते हैं कब तक आता है।
खाने पीने का सोने खाने का। देखो मैं ब्रेड लाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और दीपक तो? मैं भी रेडी हो गया हूँ। जरा दिखा ना, मैं तो दीपक। अपन मास को भूल गए, तो गधे हैं ना। मेरा वही रखा हुआ टेबल पे। अभी हम सामान लेके नहीं आए, हम लोग तो कुछ भी लेके नहीं आए, मास्क भूल गए थे। तो फिर से बाय बाय, फिर से जाएंगे। कितनी गर्मी, बहुत गर्मी थी। चक्कर आने लगे गर्मी के कारण। एक फ्लोर चढ़ना होता है लिफ्ट में, बढ़िया जी। तो वैसे एक्सरसाइज करेंगे दो दो घंटे। और सो गाइस हम लोग आ गए, हम ब्रेड लेने गए थे और हम ब्रेड ले आए, और भी बहुत सारी चीजें ले आए। अब खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जिम जाएंगे। और सर्वी के फेस देख के खुश हो गई है। समझ आ रहा है, कल बहुत सारी करी थी, अब मेरे को इतनी नहीं करनी। दीपक चाय छान रहा। चाय बन गए तो भी बनी नहीं, बन गए देख देख रहे हैं। अभी ऊपर तक आने दे थोड़ी सी। थोड़ी कम है, नहीं दिखेगी। और कम बनाई है मैंने चाय, क्योंकि गर्मी है। अरे नहीं बनी यार, बन गए तो दे। गर्मी में कितना आलस फील होता है। ये तो सर्दी में भी होता है। चाय छान ले आना यार, रखी किस नदी में ना तुमने? पहला दूंगी, डुला दूंगी। चाय रखी किस नदी है बताओ? मैंने तो उठा के कौन लाएगा? तुम अपना काम पूरा करो। अरे यार मैंने एक काम कर दिया, दूसरा एक काम थोड़ी, ये तो आधा काम किया है। काम को खत्म करो, पूरा जो शुरू करते हो उसको पूरा खत्म करो। खत्म करो। चार ले आया दीपक, बहुत देर हो गई, 15 मिनट से रखी हुई है। अरे मुझे देख रही है अभी नहीं बनी, ऊपर आएगी ऐसे जो ऊपर निकल। यार गाइस ये बताओ, ये यहाँ से किसी को समझ में आ रहा है कि वो चाय बनी है या नहीं बनी? इस आदमी को समझ में आ रहा है कि चाय नहीं बनी, आपको समझ आ रहा है क्या? इतने दूर से दीपक देख, सब लोग देख रहे हैं, फालतू तेरे को जज करेंगे। जा इस घर में हर काम मुझे ही करना पड़ता है। फाइनली बाहुबली उठ के गए। बन गई ना? हाँ बन गई, तो मैं ले आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। नहीं सही बता, बनी या नहीं बनी? मुझे नहीं पता, जैसे भी है अब यही है। नहीं अभी जो तुझे दिख रही थी नहीं बनी, वैसा बन गई। झूठा तुमने पानी। मुझे गर्मी लग रही है। तो घर जिम में तो एसी है। अरे तो मेरा हिलने का मन नहीं कर रहा। हिलने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर अरे यार आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर छोटे-छोटे कदम दूर ले जाएंगे मंजिल तक। अरे मैं ये बात सब समझ रही हूँ, पर आज मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ आज। ठीक, दो दिन से मैं रेगुलरली जा रही हूँ ना, मुझे हफ्ते में 4 दिन जाना है। बाय, सी यू, पिज़्ज़ा ले आना ठीक है।
तो इसी के साथ गाइज, ये तो जिम जा रहा है और मैं भी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, वेलापंथी करने वाली हूँ। बाय बाय, कल मिलते हैं, कल का ब्लॉग करेंगे। हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग हो हमारी लाइफ में, हो सकता है ना भी हो। ऐसा तो है नहीं कि हर दिन अच्छा होता है या हर दिन घूमने वाला होता है या हर दिन कहीं जाने वाला होता है, पर जैसा भी होता है वैसा हम आप लोगों को दिखाएंगे। और दीपक कुछ बोलना चाहता है? एक तो इन्फ्लुएंसर की क्यों पहनी है तूने मेरी टी शर्ट? तेरी है, मेरी है। चलो जाओ जिम जाओ, बाय 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 दोस्तों दोस्तों।